अरे अजी चलो, देर हो रही है। हाँ मैं आ रही हूँ। हो जाएगा ना मैडम एडमिशन? हाँ हो जाएगा एडमिशन। आप हमारे क्लर्क से मिल लीजिए, वो फाइल प्रोसेस में डालेंगे और आपको डोनेशन देना पड़ेगा। डोनेशन नहीं दे सकता मैं। डोनेशन तो आपको देना ही है। बादल सा गलचे हम, साबन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। शायद यह कविता आपने भी पहले बहुत बार सुनी होगी। हमें लगता है जैसे हम कविता सुनते हैं तो सबको स्कूल जाने का हक है, पर शायद यह चित्र देखने के बाद राय कुछ बदलेगी आपकी। ये हर पांचवें सातवें घर में यह चित्र हमें दिखता है कि बच्चा बड़े हर्षोल्लास के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। माता पिता भी उतने ही उत्साह से हैं, किंतु स्कूल जाते समय स्कूल वाले जब बड़ी बड़ी डोनेशन के आंकड़े बताते हैं तो हमारा यह सपना धरा का धरा रह जाता है। भाई और बहन, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 3 आर्टिकल 21A, एजुकेशन इज आवर फंडामेंटल राइट। शिक्षा यह हमारा मौलिक हक है, पर क्या यह मौलिक हक हमें मिल रहा है? गणराज्य संघ के माध्यम से हमने पूरे राज्य भर में जो सर्वेक्षण किए हैं, उस सर्वेक्षण के आधार पर जो डेटा प्राप्त हो रहा है वो कुछ इस तरह से है कि आज की तारीख में राज्य के जितने भी लोक प्रतिनिधि के बच्चे हैं कोई भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, वह सारे के सारे निजी स्कूल में पढ़ते हैं। इसका दूसरा अर्थ यह है कि सरकारी स्कूलों का शिक्षा का स्तर बड़ा निम्न होता जा रहा है और निजी स्कूलों का जो शिक्षा का स्तर है वह काफी बड़ा है, किंतु वहां तक जाने के लिए गरीब की जेब में पैसा नहीं है। तो क्या ये एक तरह से शिक्षा के नाम पे जेब कतराई हो रही है? इसे रोकना पड़ेगा, इसे हम रोक सकते हैं। इसे रोकने के लिए बस जरूरी है हम में थोड़ी सी संविधान के प्रति थोड़ा जनजागरण आने की, संविधान के जो हमें दिए हुए हक है वो हक जानने की। क्योंकि अगर हमें एक पुख्ता जनरेशन बनानी है तो उस जनरेशन की पहली नींव, पहली बुनियाद एक क्वालिटी एजुकेशन होगा। यह क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए हम सब एक साथ आकर आए, हमारे हक की लड़ाई लड़े, हमारे हक के लिए, इस मौलिक शिक्षा अधिकार के लिए एक साथ आए, लड़ेंगे, बढ़ेंगे और गणराज्य का निर्माण करेंगे। शिक्षा सबका हक है, सबको मिलना चाहिए, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, गणराज्य का निर्माण करेंगे।